बड़ी खबर फरुखाबाद से आ रही है। आईएसओजी टीम, सर्विलांस टीम और पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने जेल के लिपिक के घर हुई चोरी का सामान बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया। कादरीगेट थाना क्षेत्र के मोहल्ला धर्मनगरिया निवासी अश्विनी परिवार सहित छोटे भाई के पास सेंट्रल जेल फतेहगढ़ में मिलने गया था। अश्विनी का भाई सेंट्रल जेल में लिपिक के पद पर तैनात है। अज्ञात चोर ने किस्मई को मकान का ताला तोड़कर घटना को अंजाम दिया था। पीड़ित शिवम ने थाना कादरीगेट में दर्ज कराया था। घर में नकदी जेवरात समेत करीब 6 लाख रुपए सामान चोरी होने का मुकदमा। चोरी की घटना को अंजाम देते वक्त चोर सीसीटीवी कैमरे में हो गए थे कैद। एसपी विकास कुमार ने बताया कि पुलिस ने चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए 50,000 रुपए नगद और सोने चांदी के जेवरात बरामद। एसपी ने बताया आरोपी पर आधा दर्जन चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी को चोरी के मुकदमे में सजा भी हो चुकी है। एसपी विकास कुमार ने बताया कि चोरी का 100% सामान बरामद करने वाले पुलिसकर्मियों को 25,000 रुपए पुरस्कार दिया जाएगा। फतेहगढ़ पुलिस लाइन से बगार में एसपी विकास कुमार ने किया खुलासा। थाना कादरीगेट क्षेत्र में वादी श्री शिवम अग्निहोत्री के द्वारा सूचना दी गई कि उनके बंद बने मकान में चोरी हो गई है। इस संदर्भ में कादरीगेट पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और इसकी जांच शुरू की गई और जांच के क्रम में हम लोगों ने सभी साक्ष्यों के आधार पर उस अभियुक्त को पकड़ा जो नकब लगाकर उस घर में चोरी किया था। जिस अभियुक्त को पकड़ा गया उसका नाम है रवि उर्फ रॉकी उर्फ रामू और इसके विरुद्ध लगभग 12 मुकदमे हैं। ये पहले से ही चोरी के मुकदमे में सजा पा चुका है और इसने पूछताछ में बताया ये आदतन चोरी करने वाला है और बंद पड़े मकानों की रेकी कर उसका नकब लगाकर उसमें सामान की चोरी करता है। पुलिस ने सर्विलांस एसओजी और थाना पुलिस की मदद से लगभग 100% सामान बरामद कर लिया है। जो बरामदगी है उसमें जिस से नकब लगाया गया था सरिया बरामद किया जा चुका है, एक जोड़ी झुमका जो कि पीली धातु का है, एक जोड़ी टॉप्स वो भी पीली धातु का है, एक बड़े टॉप्स पीली धातु के, 5 जोड़ी पायल सफ़ेद धातु की, 2 अंगूठी पीली धातु का, 1 अंगूठी पीली धातु की, फिर 2 कटोरा कटे हुए सफ़ेद धातु के, 5 सुपारी सफ़ेद धातु का, 1 मोबाइल और साथ में 1 लैपटॉप मैच चार्जर और 50,000 रुपये। इसके साथ साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये सब पुलिस ने बरामद किया है और जो बरामदगी है लगभग 100% है और ये जो चोर है इसे गिरफ्तार किया गया है, माननीय न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस सफल अनावरण के लिए मैं पूरी टीम को 25,000 का नगद इनाम देने की घोषणा करता हूँ।